दोस्तों आज Realme X लॉन्च हो गया है और इसके प्राइस ने और स्पेसिफिकेशन ने मुझे बहुत खुश किया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसका प्राइस और जानेंगे क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह के साथ Realme X हमें देखने को मिलता है और क्या ये इस बजट में बेस्ट स्मार्टफोन है, जानेंगे मेरे ओपिनियन। सो सीधे चलते इस वीडियो की तरफ। सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिजाइन की। डिजाइन हमें इसका काफी सिंपलिस्टिक देखने को मिलता है, पीछे से काफी प्लेन है, दो कैमरास देखने को मिलते हैं विद डुअल एलईडी फ्लैश और सामने की तरफ हमें फुल स्क्रीन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। जी हाँ, इस बजट में काफी न्यू और काफी अच्छी चीज रियलमी लेकर आया है। तो हमें इसमें मिलती है 6.53 इंच की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले और यहाँ पर एक अच्छी बात, सुपर एमोलेड। जी हाँ, एमोलेड भी नहीं, सुपर एमोलेड हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है रियलमी एक्स के साथ। काफी कंट्रास्टिंग कलर्स और काफी अच्छी डिस्प्ले, साथ ही साथ सामने की तरफ हमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलती है 90+, मतलब 91.2% की, जिसमें हमें ना कोई नॉच वगैरह कुछ भी देखने को मिलता। और रियलमी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी बेजल्स भी काफी श्रिंक करने की कोशिश की है। तो हले अगर हम देखें एक फोन को तो केवल हमें हल्की सी चिन्ह देखने को मिलेगी और ऑलमोस्ट ये बेजल्स डिवाइस है। सामने की तरफ दो और अच्छी बात, एक तो गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छी और प्लस पॉइंट है प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेकेंडरी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि इस बजट में नया है सबसे बिल्कुल। तो हमें इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और जो कि काफी फास्ट बताया जा रहा है रियलमी की तरफ से। अब जरा इंटरनल्स की बात कर लेते हैं तो हमें इसके अंदर स्नैपड्रैगन 710 देखने को मिलेगा जो कि 10 नैनोमीटर बेस्ड है। कुछ लोग कहेंगे पुराना प्रोसेसर है, कुछ लोग कहेंगे चलता है, बट रियलमी ने कहा ये फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मिंग प्रोसेसर है। फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मिंग प्रोसेसर उन्होंने स्नैपड्रैगन 845 के साथ कंपेयर किया और उसको बोला कि ये ऑलमोस्ट इक्वल है। मुझे नहीं लगता, उससे नीचे ही है, बट शाओमी ने इतना क्यों किया वो इसीलिए क्योंकि K20 855 के साथ आने वाला है, K20 Pro, तो उसके लिए इन्होंने 710 पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला कि कस्टमर को बताए कि ये आपको एक डिसअपॉइंटमेंट नहीं देगा प्रोसेसिंग पावर में। सो ये आता है दो ऑप्शंस के साथ जिसमें मिलती है 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम और 8। आदत करवा दी गंदी इन्होंने, बेसिक सपने वही देखे। तो 4GB 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB 128GB इंटरनल स्टोरेज, तो ये काफी अच्छी बात है एक प्राइस सेगमेंट में हमें इतनी 8GB रैम मिलना, तो प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ 128GB सारे डिवाइसेस में, लाइक 4GB वाले में भी और 8GB वाले में, काफी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास की, तो पीछे की तरफ हमें 48 मेगापिक्सल का काफी स्टैंडर्ड और काफी ओवर यूज्ड कैमरा देखने को मिलता है, मतलब सारी कंपनियां यही सेंसर डाल रही है जिसका अपर्चर f1.7 है। और साथ ही साथ जो सेकेंडरी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है जो कि वही नाम का कैमरा है, थोड़ा बहुत पोर्ट्रेट शॉट्स में हेल्प करेगा और डेप्थ सेंसिंग में हेल्प करेगा वो। अब अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा में 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है और ये है हमारा पॉपअप कैमरा। जी हाँ, सामने की तरफ इन्होंने नोच को हटा के पॉपअप कैमरा मैकेनिज्म दिया है और इनको इन्होंने वही वन प्लस वाला काम किया है, बार बार इस चीज को बताया कि ये काफी सिक्योर और स्टर्डी है और आपके डे टू डे यूज में खराब नहीं होने वाला है। ये तो फोन मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा भाई। तो एक चीज जहां पर मैं हल्का सा डिसअपॉइंटेड हूँ, इन्होंने दी है 3765 mAh की 3765 mAh की बैटरी जो कि हल्की सी कम है इस बजट सेगमेंट में, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं जनरली बजट स्मार्टफोन में कि बैटरी बैकअप अच्छा मिले, 4000+ mAh की बैटरी हमें देखने को मिले, बट कोई नहीं, इनका इन्होंने जो है कंपनसेट वूक चार्जिंग देकर दिया है जो कि 20W फास्ट चार्जिंग है और उससे आपका फोन K20 से जल्दी चार्ज जाएगा 79 या 89 मिनट्स समथिंग जो इन्होंने बताया था। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा K20 को टारगेट किया और बार बार यूं कहा कि मैच करो और हमारा फोन लो। देखेंगे K20 किस प्राइस पे आता है, फिर पर लेंगे फोन लेना है नहीं लेना। एक चीज और जो कि इन्होंने डॉल्बी एटमॉस इसमें डाला है वो ईयरफोन्स के थ्रू ही है, केवल आपको नॉर्मल स्पीकर्स के थ्रू डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलेगा। और उसके ऊपर भी लॉन्च के अंदर बहुत ज्यादा ओवररेट किया, लाइक डॉल्बी एटमॉस ठीक है भाई, है ओके, अब आगे बढ़ो और प्राइस वगैरह बताओ। तो अगर आप जैन हो तो आपके लिए ये फोन नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक निकाला है मास्टर एडिशन गार्लिक और अनियन के डिजाइन में। गलत हो गया,
तो इसका एक मास्टर एडिशन है जो कि इन्होंने लाइक प्याज वाले बनाया है, और इन्होंने कहा बहुत सारे फोनों के सैंपल्स में से हमने ये डिजाइन किया है, जबरदस्ती वाली बात थी, फालतू का ओवररेट करने वाली बात थी, और मेरे को ये डिजाइन पर्सनली पसंद भी नहीं आया। इससे बढ़िया तो जो हमें Realme X के जो नॉर्मल कलर है ब्लू वाला और व्हाइट वाला, वो दोनों प्यारे लगते हैं और काफी अच्छे लगते हैं। मास्टर एडिशन के साथ साथ इन्होंने एक और एडिशन निकाला है स्पाइडरमैन एडिशन, जो कि पसंद आया मुझे क्योंकि उसके अंदर हमें कस्टमाइज थीम मिलती है जो कि स्पाइडरमैन थीम है, और साथ ही साथ हमें स्पाइडरमैन वाला एक केस भी देखने को मिलता है, तो ये काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं इन सारी चीज की प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में Realme X छा चुका है एक्चुअली। तो 4GB वाला मॉडल जिसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज है वो हमें मिलेगा 17,000 रुपये का। जी हाँ, 17,000 रुपये का, और इतना अच्छा परफॉर्मिंग स्मार्टफोन, आपने सैमसंग M40 देखा होगा, वो एक डिजास्टर स्मार्टफोन था, और इन्होंने 17,000 में इतना बढ़िया स्मार्टफोन दे दिया है। साथ ही साथ अगर हम इसका 8GB वाला रैम मॉडल लेते हैं जिसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज है, वो हमें मिलेगा 20,000 रुपये का, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं इनके स्पेशल एडिशन की, जो मास्टर एडिशन था और स्पाइडरमैन एडिशन। तो मास्टर एडिशन था वो आपको केवल 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज में देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस सेम नॉर्मल एडिशन जितना 20,000 रुपये है। काफ़ी अच्छी बात है, लाइक कलर भी तो बदल रहे हैं, इसको हम स्पेशल बना दे और रेट बढ़ा दे, एप्पल वन प्लस सैमसंग करता है ये, पर इन्होंने नहीं किया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। सेकेंडली जो स्पाइडरमैन वाला है, हाँ उसके अंदर एक केस ऐड किया है इन्होंने, केस का चार्ज तो ऑब्वियसली लेंगे, साथ ही साथ एक कस्टमाइज थीम बनाई है उसका भी चार्ज लेंगे, तो उसका रेट है 21,000 रुपये, 29,999। तो काफ़ी अच्छी बात है, एक स्पाइडरमैन एडिशन जो स्पेशल एडिशन है उसमें इन्होंने केवल 1,000 रुपये बढ़ाया है, और आपको काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और जो स्पेशल एडिशन है दोनों ही 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज में आएंगे। तो Realme X ने प्राइसिंग के साथ और परफॉर्मेंस के साथ मुझे काफ़ी खुश किया है। Realme 3i से ज़्यादा मैं Realme X के लिए एक्साइटेड था, और उसका प्राइसिंग देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हो, हम इस फोन को बाय करके इसका रिव्यू भी कर देंगे। कमेंट सेक्शन में कूद पड़ो, तोड़ दो, फोड़ दो, आग लगा दो, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी कर दो यार, लाल बटन है उसे दबाओ, और साथ ही साथ घंटी का साइन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। सो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ओए नहीं नहीं, रुक 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 रुक, तो आप कब खरीद सकते हैं इसे? तो वही फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, इसे आप ले सकते हो 24 जुलाई को, जो कि मेन सेल होगी Realme X की। बट इन्होंने एक थोड़ी प्री सेल भी रखी है, उसके अंदर यूनिट्स कम होंगी, वो होगी 18 जुलाई को शाम के 8 बजे, तो वहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। और एक बात और करने वाली है, जो दोनों स्पेशल एडिशन थे, जो मास्टर एडिशन था प्याज गार्लिक प्याज धनिया पुदीना वो, और स्पाइडरमैन एडिशन, दोनों ही अगस्त में देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको अगर बाय करना है तो नॉर्मल एडिशन देखने को मिलेगा, जिसमें दोनों रैम ऑप्शंस आपको फर्स्ट सेल में ही देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।